टीम इंडिया के लिए आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो 2013 की चैंपियन ट्रॉफी टीम इंडिया के लिए लास्ट आईसीसी ट्रॉफी और बी ट्रॉफी के बाद में टीम इंडिया कोई भी आईसीसी को टूर्नामेंट आपके नाम को नहीं कर सकी। बा ट्रॉफी टीम इंडिया एमएस धोनी की कप्तानी में आपके नाम करी। एमएस धोनी की कप्तानी में 5-7 साल तक टीम इंडिया को बहुत ही गोल्डन टाइम चल रहे हो। जिस टाइम में टीम इंडिया 3 आईसीसी ट्रॉफी आपके नाम करी। एमएस धोनी की बात करें तो एमएस धोनी ने टीम इंडिया के लिए 10 टूर्नामेंट में आपकी कप्तानी करी है और इन 10 टूर्नामेंट में से 6 बार टीम इंडिया नॉकआउट स्टेज में पहुंची है और 4 बार टीम इंडिया बाहर हुई है। इसके सागर सागर टीम इंडिया 6 बार नॉकआउट स्टेज में से 3 बार ट्रॉफी जीत की आपके नाम भी करी है। ये 3 ट्रॉफी 2007 को T20 वर्ल्ड कप जो की पाकिस्तान की टीम ने हरा के टीम इंडिया जीती हो, 2011 को वनडे वर्ल्ड कप जिनमें टीम इंडिया श्रीलंका ने हरा के ट्रॉफी जीती और भी के सागर सागर 2023 को चैंपियन ट्रॉफी जिनमें टीम इंडिया इंग्लैंड ने हराई। 2013 के चैंपियन ट्रॉफी के बाद में भी टीम इंडिया बहुत सा आईसीसी टूर्नामेंट खेलाई, इनमें सभी 3 बार टीम इंडिया की कप्तानी एमएस धोनी के हाथ में ही तो 4 बार विराट कोहली और 2 बार रोहित शर्मा के हाथ में ही, लेकिन फिर भी टीम इंडिया 1 बार भी फाइनल को खिताब नहीं जीत सकी। लगातार टीम इंडिया फाइनल या फिर सेमीफाइनल या फिर नॉकआउट स्टेज से बाहर न हो ही जा रही है। देखो भैया, प्रत्येक टीम संघर्ष करे और आपको पूरा दमखम दिखावे तो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट से 12 होना कोई बड़ी बात कौन है, लेकिन जिस टाइम पर एमएस धोनी टीम की कप्तानी करते हो तो टीम इंडिया यह लगती जाए कि टीम इंडिया बहुत ही संघर्ष कर रही है और जीत के लिए तरस रही है, लेकिन एमएस धोनी के जाए बाद में टीम इंडिया में इतना दमखम कौन दिखा है। जब भी टीम इंडिया कोई भी टूर्नामेंट में फाइनल या सेमीफाइनल मैच आ रहे हैं तो बहुत ही बुरी तरीके से आ रहे हैं। टीम इंडिया ये मैच एक तरफा आ जाए और एक दफा देखता पहले जब एमएस धोनी टीम की कप्तानी करी तब टीम इंडिया बहुत ही संघर्ष करती और लास्ट टाइम तक यह लगता हो कि शायद टीम इंडिया मैच जीत सके और लास्ट टाइम तक मैच 50-50 का पक्ष में रहते हो। तो बस यही कारण है कि सबका सब आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के लिए एमएस धोनी ने बहुत ही मिस करी, क्योंकि एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने सबका सब लड़ता और संघर्ष करता देखता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो चोखा लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो।